राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी व्यू। सीधी भारतीय किसान संघ जिला इकाई सीधी द्वारा आवारा पशुओं के विरोध में एवं मध्य प्रदेश सरकार की किसानों के साथ वादा खिलाफी 3 दिवसीय पैदल यात्रा करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा एवं कमलनाथ सरकार से यह पूछना है कि सरकार बनने से पहले मुख्य रूप से गांव में गौशाला बनाने की बात कही गई थी, जिसमें आज दिनांक तक किसी प्रकार सरकार खरी नहीं उतरी एवं उड़दा मूंग की फसल नष्ट हो गई है एवं धान में रोग लग चुका है प्राकृतिक आपदा के कारण, लेकिन आज दिनांक तक सरकार किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाई है। इस संबंध को लेकर समाज सेवी अरुण द्विवेदी एवं समाज सेवी तेज बहादुर सिंह परिहार के मार्गदर्शन में पैदल श्रवण शुक्ला, जितेंद्र गौतम, विवेक द्विवेदी, महेंद्र शुक्ला एवं सैकड़ों समाज सेवी के द्वारा 12 बजे कपूरी हनुमान मंदिर से सीधी कलेक्ट्रेट तक 3 दिवसीय पैदल यात्रा शुरुआत की गई, जिसमें जनमानस भी सम्मिलित होते जा रहे हैं। महाकोशो प्रांत जिला सीधी के तत्वाधान में 3 दिवसीय पदयात्रा है। यात्रा के महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं। प्रथम आवारा बेसहारा पशुओं को लेकर के है। दूसरा, गांधी जी का 150वीं वर्ष चल रहा है तो उसको लेकर के यह पदयात्रा की गई है। और तीसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, भारतीय किसान संघ के संस्थापक दंतोपन ठेगड़ी जी का भी 24वीं वर्ष जयंती चल रहा है। ऐसे तीनों विषयों को लेकर यह भारतीय किसान संघ द्वारा यह पदयात्रा की जा रही है। जिस प्रकार से आवारा पशुओं और खेती को लेकर के लगातार सरकार के द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ये प्रारंभिक हमारे चेतावनी यात्रा है। हम चाहते हैं कि सीधी जिले में गौ अभयारण्य संचालित हो। गांव-गांव में पहले जो आवारा पशुओं को रखने के लिए कानी हाउस होती थी वो बंद हो चुकी हैं। सीधी जिले में संचालित लगभग सभी गौशालाएँ भी बंद की स्थिति पर है। तो जो गौशालाएँ हैं उनका तो संचालन यथावत किया जाए, उनको धनराशि और उनकी पर्याप्त व्यवस्था तो की जाए, पर क्योंकि आवारा पशुओं की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक सीधी जिले में भारत देश का पहला गौ अभयारण्य संचालित हो, हम उसके लिए जो है तो ये यात्रा कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार सीधी जिला प्रशासन से भी आप आग्रह करते हैं आपके माध्यम से इस पर वो ध्यान दें, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय किसान संघ, यहाँ का आम जनमानस, भारतीय किसान, सीधी जिले की जनता उग्र आंदोलन करने के लिए बाधित होगी। सीधी से ब्यूरो चीफ तेज बहादुर परिहार की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी व्यू।